भारत ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई, लेकिन कुछ सदस्य देशों की भूमिकाओं को लेकर चिंता जताई है, जिसे संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया। भारत ने SCO के मंच पर आतंकवाद को राज्य नीति के रूप में इस्तेमाल करने वाले देशों पर निशाना साधते हुए लक्षित प्रतिबंधों के पूर्ण कार्यान्वयन की मांग की। भारत ने SCO में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर जोर दिया, विशेष रूप से पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर आपत्ति जताई। SCO में भारत की प्राथमिकताएं सुरक्षा और शांति, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और सदस्य देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना है। मध्य एशिया के साथ भारत के गहरे सभ्यतागत संबंध हैं। भारत ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन की पेशकश की और भारत मध्य एशिया संवाद मंच को मजबूत किया। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिए कनेक्टिविटी हब और आर्थिक लाभ को बढ़ावा देती है। रूस ने SCO, CIS और CSTO की उपलब्धियों की सराहना की। क्षेत्रीय संगठनों ने संघर्ष रोकथाम और आतंकवाद विरोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन ने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ को वैश्विक सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और समाज के लिए बड़े खतरे के रूप में देखा और इसे प्राथमिकता दी। अमेरिका ने SCO पर शांतिपूर्ण विरोधियों के दमन, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और शरणार्थियों की जबरन वापसी के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री मोदी के सिक्योर SCO विजन में सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देकर स्थायी विकास के लिए प्रयास करना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने SCO में आतंकवाद से लड़ने, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता और आतंकवाद को क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। SCO में आगे का रास्ता निरंतर संवाद, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना, आतंकवाद और क्षेत्रीय तनाव जैसी चुनौतियों से मिलकर निपटना और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। फ्री स्टडी मटेरियल एंड PDF कंटेंट पाने के लिए हमें ज्वाइन करें YouTube, Instagram, Facebook, Telegram एंड WhatsApp पर।